हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। ये मैंने 15 अगस्त के लिए बनाई है और ये मैं आपको चार नंबर के कान्हा जी को पहना के दिखाने जा रही हूँ। ये रहे हमारे चार नंबर के कान्हा जी और ये है चोली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से हमें यहाँ पर चोली बांधनी है। ये मैंने बांध दी चोली। ये देखें, यहाँ पर एक नॉट और दे देती हूँ। अगर आप इसे जन्माष्टमी के लिए बनाना चाहते हैं ये ड्रेस, तो यहाँ पे आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं और एकदम सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बना सकते हैं। अब देखिए, चोली यहाँ नीचे से हमें इस तरह से उठानी है और उठाने के बाद अपने घेर को बांधेंगे। पीछे से आप पूरा बांध सकते हैं और जैसे हमने इस तरह से इसे बांध दिया। ये देखें, ये बांधने के बाद हमारी अपने आप ही बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये हमने यहाँ पे बांध दी डोरी। डोरी बांधने के बाद पीछे से भी देखें, ये कवर है। ये जो हमने चोली बनाई हुई है, ये चोली की हेल्प से ही ये हमारा पीछे से भी कवर है। ये देखेंगे इस तरह से, और आगे से तो ये है ही कवर। ये देखें, यहाँ पे आप कोई भी स्टोन बटन नग वगैरह लगा सकते हैं जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगेगी। और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैं उठा के दिखाऊँ आपको, ये देखें। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप ये ड्रेस बना सकते हैं कान्हा जी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बुकरम का पीस लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो ये देखें, मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है 10 इंच और चौड़ाई है हमारी 7 इंच। हमें क्या करना है, ये हमारी उल्टी साइड है और ये देखें, ये है सीधी साइड। इधर साइन आपको दिख रही होगी, सीधी साइड से हमने इसे किया हुआ है। सीधी साइड से हम इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे, एक बार अच्छे से बराबर करके मोड़ लें। ये हमने इधर से एक बार मोड़ा और फिर इधर से एक बार मोड़ देंगे। ये इस तरह से हमें इसे दो बार मोड़ना है। ये देखें, दो बार मोड़ने के बाद यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हम कमर बना लेंगे इसकी छोटी सी। और यहाँ से कमर बनाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसे कट करेंगे। ये ऐसे करके आएगा, ये ऐसे। ये देखें, यहाँ से ऐसे तिरछा के इधर हल्का सा गोल हो गया है और ये यहाँ से इस तरह से जाएगा। यहाँ पे ये आप इस तरह से ऐसे इसे कम भी कर सकते हैं थोड़ा। ये ऐसे मैंने हल्का सा कम कर दिया, अगर पूरा लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और ये हिस्सा मैं हल्का सा और निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ये इस तरह से। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, और बहुत ही सुंदर सी हमारी ये ड्रेस बन के रेडी होगी। ये देखें, यहाँ से ये मैंने कट किया और इधर से ये गोलाई कट कर देंगे। ये हमारे कमर की गोलाई है, ये इस तरह से कट हो गई। ये देखें, ये इस तरह का हमारा पीस आएगा और ये ऐसे करके हमारी ये ड्रेस आएगी, ये ऐसे करके। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ये अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा अस्तर। अब इसकी ये जो साइन वाली साइड है, देखिए ये जो हमारी सीधी साइड है, इस पर आप इस तरह से रख के और प्रेस लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे रखें और प्रेस लगा के इस पर चिपका दें। बट मैं यहाँ पे इसे स्टिच कर देती हूँ डायरेक्ट इसी के ऊपर रख के, जिस शेप में है बस वैसे ही हमें इसे सिल देना है। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इस पे रख के सिल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के हमें इसे कट करना है। वैसे तो हमें इसे नीचे से ही सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के कट करना है, बट मैंने इसे साइडों से भी कट कर दिया है। साइड का आप बराबर भी कट कर सकते हैं, ये इस तरह से। नीचे से ज़रूर है आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए, ये है हमारी नीचे वाली साइड, जो इसकी राउंड वाली है वही है हमारी नीचे वाली साइड। इधर ज़रूर आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए, बाकी इधर तो आप इसे जैसे भी कट करें। ये हमने कट कर लिया। अब हमने यहाँ पे अपना दूसरा अस्तर का पीस लिया इसे दूसरी साइड से कवर करने के लिए। तो देखिए, ये ऊपर हमने बुकरम है, इसके नीचे है हमारा अस्तर। ये देखें, यहाँ से ये ऊपर बुकरम है, फिर नीचे अस्तर, अब इसके नीचे एक और अस्तर,
और हम अब यहाँ से बुकरम के पास से सिलाई लगाएंगे, ना बहुत ज़्यादा बुकरम से दूर और ना ही बहुत ज़्यादा बुकरम के पास। इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। चलिए लगा देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलने के बाद यहाँ पे हल्का सा मार्जिन रखते हुए बाकी का कट कर दिया। इधर से भी हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पलट देना है। ये देखिए ये ऐसे हमारा पलट जाएगा तो नीचे की साइड हमारी काफ़ी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। ये इसे भी पलट देती हूँ, ये इस तरह से। अगर आप इस पर प्रेस कर लेंगे तो आपको एक सिलाई यहाँ पे कम लगानी होगी, जो हमने पहले पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में सिलाई लगाई वो वाली नहीं लगानी होगी आपको। अब देखिए ये हमने इसे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा चारों साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। चलिए लगा देती हूँ। हमने यहाँ पे देखिए दोनों को सिल दिया है। अब यहाँ से हम एकदम बुकरम के बराबर से इसे कट कर लेंगे। सारा अस्तर साइडों से हमें कट करके हटा देना है। ये देखें यहाँ से कट किया, ये ऊपर की साइड से कट कर दिया और ये इधर से भी कट कर दिया। ये इस तरह से देखें, ऐसे ही हमें सेम अपना ये वाला पीस भी कट करना है। ये देखें एकदम ईजी सा तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे बनाने में, बहुत आसानी से आप भी बना लेंगे अपने कान्हा जी के लिए। ये इधर से भी हमने कट कर लिया। ये देखिए ये दोनों पीस हमारा रेडी हो गया है। दोनों साइड से देखिए इस पर अस्तर हमारी लगी हुई है। अब हम इस पर अपनी नेट की फ्रिल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर लिया हुआ है। ये देखिए ये ग्रीन कलर से हमें अपनी फ्रिल बना के लगानी है। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच और लंबाई हमारी है 45 इंच। मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से ऐसे हम डबल करेंगे और इस पर एक बार सिलाई लगा लेंगे, सिंपल सीधी सी, जिससे हमारा ये देखिए ये जो ये खुला वाला दोनों है ये आपस में ज्वाइंट हो जाए। चलिए सिल देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे अपनी प्लेट बनाएंगे। आप चाहें तो पहले ही इस तरह से ऐसे प्लेट बना सकते हैं। चलिए पहले ही बना के डालती हूँ, ईजी है। पहले बना के अगर आप डालेंगे तो इस तरह से हमने एक प्लेट बनाई, ये हमारी सुई अंदर गई। ऊपर से उठाएंगे, ये देखिए इसी पे चढ़ाते हुए हम अपनी दूसरी प्लेट बनाएंगे, फिर हल्का सा चढ़ाते हुए तीसरी, फिर हल्का सा चढ़ाते हुए चौथी। ये देखें नीचे से यहाँ से ध्यान देना है कि आपका अच्छे से बराबर होना चाहिए और इसे हम सिल देंगे। ये इस तरह से हमने सिल दिया, फिर हमारी सुई अंदर गई। फिर उठाएंगे और चढ़ाते हुए हल्का सा प्लेट बनाएंगे, क्योंकि देखिए हमने नीचे व्हाइट कलर का अस्तर लगाया है, तो आप घनी प्लेट डालेंगे तभी आपका अस्तर नहीं दिखेगा, नहीं तो जब आप ग्रीन नेट लगाएंगे तो आपका अस्तर जो है वो दिखने लगेगा। ये इस तरह से हम थोड़ी हैवी प्लेट ही बनाएंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि हमारी प्लेट जो है वो नीचे से अच्छे से बराबर होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी इधर उधर है तो उसे आप हाथ से ही सेट कर दें। ये देखें ये इस तरह से हमें प्लेट बनानी है। यहाँ पे ये हमने अपनी इतनी दूर बनाई। अब देखिए फिर इसी तरह से हमें प्लेट यहाँ पे बनाते जाना है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से चढ़ाते हुए आप बनाएं। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चढ़ा दें, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा ही चढ़ा रही हूँ जिससे मेरा नीचे से अस्तर का फैब्रिक नहीं दिखेगा और हमारी फ्रिल बहुत ही अच्छी सी आएगी। इस तरह से स्टिच हुआ। ये 45 इंच लंबाई का मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमारी कितनी लंबी प्लेट बनती है। ये इस तरह से हमने किया और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लगती है गाइस ड्रेस, और बहुत ईजी है इसे बनाना, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसे। ये इस तरह से हमें प्लेट डालते जाना है। मैं पूरा प्लेट आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप भी इजीली इसे बना सकें। ये ऐसे करके पूरा डालते चले जाएंगे। बहुत आसान तरीका है गाइस, 1 से 2 मिनट में ही आपका ये रेडी हो जाता है। ये इस तरह से सिल देना है। ये हमने सिल दिया इतनी दूर, फिर ये हमारी लास्ट प्लेट पड़ गई। देखें हमने नीचे से ध्यान देते हुए अच्छे से बराबर करके इसे बनाया है। यहाँ से हमने इसे अच्छे से बराबर बनाया है। अब यहाँ पे रखूँगी और देखिए ये नीचे से हमारा इतना निकला रहेगा, इतना नीचे रहेगा। और यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे पहले, ये इस तरह से हल्का सा लंबा करके ही लगाते हैं। कभी भी आप फ्रिल लगाएं, चाहे आप बच्चों के कपड़े में लगा रहे हैं, चाहे आप इस तरह से कान्हा जी की पोशाक में कर रहे हैं, तो हल्का सा लंबा करके ही लगाते हैं। इस तरह से हमने किया। अब देखें यहाँ पे ऐसे गोलाई में घुमाते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे।
आप देखिए नीचे से मेरा अस्तर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और आपके सामने ही कर रही हूँ, मैंने कहीं भी वीडियो को फास्ट नहीं किया हुआ है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे इसकी प्लेट को हम सेट करते हुए सिलते चले जाएंगे, ऐसे राउंड दें, जहाँ भी राउंड आएगा तो हल्की सी आपकी छोटी सी प्लेट पड़ेगी इस पर, तो वो प्लेट आपको डालनी है, ना कि खींच के इसे सीधा कर देना है। प्लेट डालेंगे तो ही आपका ये अच्छे से बनेगा। इस तरह से नीचे से ध्यान देते रहेंगे हम। ये लगभग हमारा बनने ही वाला है, नीचे से आप अच्छे से देखते रहें कि कहीं छोटा और लंबा ना हो जाए, नहीं तो फिर वो ऊंचा नीचा हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा एकदम अच्छे से लग गया है। मैं क्या करूँगी, इस पर सीधी सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी एक, और जो हमारे यहाँ पे नेट का फैब्रिक बचा है उसे हम हटा देंगे काट करके। ये हो गया। अब सेम तरीके से हमें प्लेट बनानी है व्हाइट कलर से और ऑरेंज कलर से भी, तो चलिए पहले व्हाइट कलर से बनाती हूँ फिर हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से भी प्लेट बना ली है और व्हाइट कलर से भी, चलिए पहले व्हाइट ही कलर लगाते हैं और उसके बाद हमारा ऑरेंज लगेगा, व्हाइट ही लगाना ही है हमें। ये देखें ये इस तरह से यहाँ पे इसे हमें सिलना है, जैसे हमने उसे सिला था सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ देखिए ये ग्रीन वाले पे इतना मैं चढ़ा के सिल रही हूँ क्योंकि ये हमारी सिलाई कवर हो जानी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसे हम स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लगेगा गाइस, और पहनाने पे ये और भी अच्छा लगेगा और एकदम इजी है। देखिए कितना आसानी से मैं आपके सामने इसे स्टिच भी कर रही हूँ। इसे हम पूरा सिल लेंगे। नीचे वाला ग्रीन वाला जब मैंने लगाया तो मैंने 45 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया था, तो उसमें मेरा बहुत थोड़ा सा बचा। अब इसमें हम अपने दोनों पीस में लगा लेंगे, एक पीस में तो देखिए आपके सामने ही लगा रही हूँ, हमारे दूसरे पीस में के लिए भी इसमें से बच जाएगा। ये हमने इस पर सिल दिया और सिलने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा आएगा पीछे की साइड से बराबर करते हुए कट कर देना है। ये हमारा हो गया। अब तीसरा कलर भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारे, ये ऑरेंज कलर। ये देखें ये इसे भी इस पर हल्का सा इस तरह से ऐसे चढ़ाते हुए ही सिलेंगे। आप देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बनके रेडी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में भी, और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है ही। इस तरह से हमने किया और यहाँ पे भी इसे हम सिल देंगे। ये मैंने 45 इंच लंबाई का नहीं लिया था, ये मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया था फैब्रिक, आई थिंक ये हमारा 25 इंच लंबाई का रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लगाना ही नहीं था, थोड़ा सा ही लगता तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। इसे इस तरह से इसे स्टिच कर लूँगी, वाइट वाले पे चढ़ाते हुए हमने इसे सिल देना है। ये देखें इस साइड से ये हमारा इस तरह से स्टिच हो जाएगा, बस ये हमारा रेडी हो गया। सेम तरीके से आपको दूसरा पीस भी रेडी करना है तो चलिए मैं उसे भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आके आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने अपना यहाँ पे दूसरे पीस पे लगा दिया और इसे हमने लॉक भी कर दिया टिश्यू रिबन से, सेम इसी तरह हमें इसे भी लॉक करना है। चलिए लॉक करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से टिश्यू रिबन लेना है, यहाँ से इस तरह से हाफ इंच मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद नीचे की साइड से इस तरह से हमें लगा के इसे लॉक करना है। ये देखें इस तरह से ऐसे रख के और सिलाई लगानी है। चलिए हम इसे लॉक कर लेते हैं। सेम तरीके से इसके दूसरे साइड भी हमें इसे लॉक कर देना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है रेडी। अब हमें यहाँ पे नेफा अटैच करना है, तो नेफे के लिए मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कलर में फैब्रिक लिया हुआ है। ये देखिए इसे इस तरह से एक बार मोड़ूंगी, एक बार और मोड़ना है। ये देखिए ये दो बार मोड़ने के बाद हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ, ये इस तरह से थोड़ी दूर हमें इसे सिलना है। पहले लॉक कर लें आप अच्छे से। ये देखिए मैंने लॉक करके लगभग आधा इंच सिला है इसे। आधा इंच सिलने के बाद हम अपना ये पीस लेंगे और यहाँ इसके ऊपर रख देंगे। ये इस तरह से हमें
अपने पीस के साथ सिल रहे हैं, और अपने पीस के साथ ही आप इसे ऐसे थोड़ा सा राउंड भी करते रहें। जिस तरह से हमारे पीस में राउंड है उस तरह से इसे हम घुमा लेंगे हल्का हल्का सा। ये देखें, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ गाइस, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये इस तरह से घुमा लिया मैंने, ये देखें, ये ऐसे करके। अब फिर थोड़े दूर हम ऐसे ही लगभग आधे इंच ही नॉर्मल सिल देंगे और अपना दूसरा पीस ले लेंगे। ये इस तरह से दूसरा पीस लगाना है, और जैसे ये हमारा राउंड घुमा हुआ है वैसे ही हम इसे लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने नेफा लगाने के लिए और एक पट्टी ली है। एक वीडियो में मैंने आपको सिर्फ नेफा लगाना बताया हुआ है, उस वीडियो में मैंने आपको और एक पट्टी कट करना बताया है। अब ये देखें, ये हम इस तरह से सिल लेंगे। ये पूरा मैंने सिल दिया। अब इधर से हम एक इंच एक्स्ट्रा रख के इसे कट करेंगे। ये एक इंच एक्स्ट्रा रख के हमारा कट हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा इस तरह से पलट के आएगा। इधर से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने एक इंच एक्स्ट्रा रख के कट किया है, ये वाली साइड। अब जो हमने एक इंच एक्स्ट्रा रख के कट किया है, पहले इसमें हाफ इंच हम इस तरह से मोड़ेंगे, और उसके बाद ये जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ से ये मुड़ेगा, और वहाँ से मुड़ने के बाद हमें इसमें डाल देनी है डोरी। डालने के लिए डोरी डालेंगे, तो ये मैंने डोरी ली, इसे कट कर लेती हूँ। ये देखें, ये हम यहाँ पे डोरी डालेंगे ये इस तरह से, और उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे पलट देंगे, ये ऐसे करके। एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे हमारा नेफा लगेगा। पहले यहाँ पे सिलाई को लॉक करें अच्छे से, ये इस तरह से। अब लॉक करने के बाद ये देखें, ये इसके ऊपर वाली जो साइड है ये यहाँ हम इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए रखेंगे ऐसे करके। ये इस तरह से मैंने रख दिया। ये देखें, यहाँ पे ये हमारा स्टिच हो रहा है, और ये बीच में हमारा ये भी सिल रहा है। डोरी हमारी इसी में अंदर जा रही है, और अब देखिए फिर सेंटर में आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर से सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा पीछे वाला भी फैब्रिक दब जाए इसी में। अब फिर इसे हम अच्छे से अंदर डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेरी कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है, इसे मैंने अंदर डाल दिया, और यहाँ इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी, ये ऐसे करके। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप बना सकते हैं गाइस, और बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इधर हमें कुछ नहीं करना है, इधर ऐसे हम नॉर्मली स्टिच करते चले आएंगे। बस आपको ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे वाला आपका स्टिच हो जाना चाहिए। अगर आप एक सिलाई में इसे नहीं सिल पा रहे हैं, तो एक बार आप इसी तरह से सिल लें, उसके बाद दोबारा से आप देख के जहाँ पे भी आपका छूट गया हो वहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। ये मैंने इसे सिल दिया पूरा, देखिए मेरा यहाँ पे नेफा लग गया है, और ये इस तरह से लगा है। बीच में मैंने हाफ इंच का गैप छोड़ा था, बीच में है हाफ इंच का गैप, और पीछे की साइड है हमारा गैप। ये इस तरह से हमारी ड्रेस आएगी, ऐसे ये बांधेंगे हम। अब यहाँ का आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा किस तरह से फिल होगा गैप, तो चलिए मैं आपको चोली बनाना बताती हूँ, वो हमारा चोली से फिल होगा। अब देखिए गैस, चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम तरीके से 4 इंच चौड़ाई और 45 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया, और इंच कलर का, और जैसे हमने यहाँ पे प्लेट बनाई थी ड्रेस के लिए वैसे हमने यहाँ पे प्लेट बना ली है। और इसकी लंबाई टोटल आई है, मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे इसकी ये जो लंबाई है वो हमारी 10 इंच है। ये देखें, इस तरह से जब ये सीधा होगा तो समझ में आएगा आपको, 10.5 इंच है, 10 इंच नहीं है। ये देखें, ये 10.5 इंच के करीब में है, थोड़ा सा कम है। हमें क्या करना है, हमें इतनी चौड़ी प्लेट नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इस पे इस तरह से आधे पे से सिलाई लगाएंगे, ये ऐसे करके आधे से हमें सिलाई लगा देनी है। चलिए लगा देती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा रहा है उसे हम कट कर लेंगे, ये इस तरह से एकदम अपने सिलाई के पास से हमें इसे कट करके हटा देना है। ये मैंने कट कर दिया, इधर मैंने थोड़ा सा सिलाई से दूर कर लिया, तो इसे भी पास से कट कर लेती हूँ। ये कट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक कर देना है। चलिए कर लेती हूँ।
ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के ऊपर थोड़ी दूर चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के बाद यहाँ पे ऐसे हमें सीधी सी सिलाई लगा लेनी है जिससे ये हमारा थोड़ी दूर ज्वाइंट हो जाए। तो ये अपने टिश्यू रिबन के ऊपर से ही लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई दिखे ना। यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखिए ये हमने इतनी दूर तक सिल दिया है, ये इतना लगभग मैंने आधे से थोड़ा सा कम बस इसे स्टिच किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इस पर डोरी अटैच कर लूँगी। तो ये मैं डोरी ले लेती हूँ इसमें लगाने के लिए। इसे हम इस तरह से ऐसे सीधा स्टिच करेंगे, नीचे से लगभग हम 1 इंच से अधिक ही थोड़ा छोड़ेंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए इसे स्टिच कर देती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारी ड्रेस यहाँ पे बनके रेडी हो गई। आप देखें कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे आप जरूर कोई बटन वगैरह लगा लें, ये थोड़ा सा मुझे खाली खाली सा लग रहा है, लगा लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये ड्रेस पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दी है, अगर आपने वीडियो स्किप करी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप भी इजिली इसे 15 अगस्त के लिए बना सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।